हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे स्टिल लाइफ पेंटिंग। तो हम लोग एक ग्लास और एक कप ड्रॉ करेंगे। तो हमें जितनी बड़ी ग्लास ड्रॉ करनी है उसकी एक रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ कर लेंगे। ग्लास की जितनी बड़ी लंबाई और चौड़ाई होगी उतनी बड़ी हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ शेप कर लेंगे। उसके बाद सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ग्लास की टॉप पार्ट के लिए हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें कर्व लाइन ड्रॉ करके उसको कंप्लीट करेंगे। अब सेम प्रोसेस से हम कप को भी ड्रॉ करेंगे। हमें कोई भी लाइन अप से डाउन और लेफ्ट से राइट की ओर ड्रॉ करनी है। अब जितने भी रफ लाइंस हमने ड्रॉ की थी उसको इरेज कर लेंगे। अब सेम प्रोसेस से हम लोग एक पॉट और एक ग्लास को ड्रॉ करेंगे। अब ड्राइंग को शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2B पेंसिल से लाइट शेड स्टार्ट करना है। शेडिंग में हमें अप से डाउन और लेफ्ट से राइट की ओर करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस ड्राइंग में कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 2B इस पे पेंसिल का यूज़ किया और लाइट शेड कर रहा हूँ। हमारी लाइट सोर्स राइट साइड से आ रही है तो हमें शेडिंग लेफ्ट साइड से करनी है और राइट साइड पार्ट में हम लोग लाइट सेट करेंगे। इस ड्राइंग में हम हैचिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं।
हमारी ड्राइंग जिस शेप में होगी हमें शेडिंग उसी शेप में करनी है। जैसे ग्लास जो होती है वो राउंडेड होती है, तो हमें शेडिंग भी राउंडेड ही करनी है, ऐसा ना कि फ्लैट कर दें। तो हम लोग लाइट पहले यूज़ करेंगे, लाइट शेड, फिर डार्क शेड, उसके बाद उसकी हाफ करनी है। अब हमें दूसरी ड्राइंग को भी उसी सेम प्रोसेस से करनी है।
अब इसे शेडो कर लेनी है। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो उसका ऑपोजिट साइड होता है, तो हमें शेडो जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ डार्क करनी है और धीरे धीरे उसे लाइट कर देनी है, यानी कि डार्क से लाइट करनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। हमारी ड्राइंग जिस शेप में है उसी शेप में शेडो भी करनी है। सेम प्रोसेस से हमें दूसरी ड्राइंग भी उसी तरह कर लेनी है। इसी रूल से आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टिल लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगी आपको रफ लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने फर्स्ट में रिक्टेंगल ड्रॉ किया था वो आपको बाद में नहीं करनी पड़ेगी।